हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं क्विक विड्रा पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 2 में तो आपको मैंने बताया था कि यार मैंने विड्रा कर दिया और अब मुझे सिर्फ ईमेल का इंतज़ार है। जैसे ही ईमेल मुझे इनकी टीम का आएगा तो उस पर मुझे वॉचर आईडी मिलेगी और मुझे वॉचर आईडी मिलेगी और उस वॉचर आईडी के ज़रिए ही मैं जो ना अपनी पेमेंट जो ना रिसीव कर पाऊँगा। ठीक है, तो ईमेल मुझे आ चुकी है लेकिन कोई वॉचर आईडी नहीं आई है, उसमें कुछ और है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यार हमारा चैनल नया है तो यार आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। और आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि यार आपको वीडियो समझ आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी ईमेल पे आपको लेके चलता हूँ और आपको बता दूँ ईमेल पे मैं चलो आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये भी इनकी ईमेल, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो आपको 2 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, तो 2 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाई थी और उसी में ही मैंने जो ना इन्हें मेल कर दी थी। मेल करने के बाद जो ना दो के बाद 3 को जवाब नहीं आया। ठीक है, मैंने दोबारा भी 3 को आप यहाँ देख सकते हो जलाल AB के बराबर में 2 दिसंबर को मैंने आप वीडियो बनाई थी तो मैंने मेल कर दी थी। ठीक है, अब फिर 3 दिसंबर को फिर मैंने बोला सर जवाब तो दो, तो कोई जवाब नहीं आया। 3 को मैंने फिर मैसेज किए, 3 को मैंने तकरीबन 4 मैसेज किए इन्हें। ठीक है, वो भी सेम टू सेम। तो 3 के बाद आप यहाँ आप देख सकते हो कि यार 4 को मुझे इनका रिप्लाई आया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो मोहसिन सारिफ बराए मेहरबानी हमें अपना पे आउट सेक्शन की स्क्रीनशॉट सेंड करें ताकि आपका प्राइस स्टेटस देखा जा सके। ठीक है, तो अब ये इनका जो जवाब है मुझे कब आया आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, बैक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यार भाई मुझे जो जवाब जो आया मैंने कितने दिन से एक मतलब 2 दिन से मैं इन्हें मैसेज कर रहा था। ठीक है, कंटिन्यू ईमेल कर रहा था, उसके बाद ये 4 दिसंबर को आया। ठीक है, तो 4 दिसंबर के बाद तो मैंने इन्हें अपना स्क्रीनशॉट तो मैंने सेंड कर दिया था। ठीक है, और मैंने इनको क्या बोला, सर मैंने आपको पे आउट की स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है, अब आप बताओ कब मिलेगी पेमेंट मुझे और वाउचर आईडी आप मुझे सेंड कर दो। तो अब क्या हुआ कि भाई अब 4 दिसंबर के बाद मैंने इन्हें जो ना 4 दिसंबर के बाद जो ना मैंने इनको 6 दिसंबर को किया, मतलब 5 को भी नहीं किया और 4 को भी मैंने नहीं किया। ठीक है, तो 2 दिन बाद मैंने इन्हें मेल कर दी। ठीक है, और मेल मैंने कितने की आप याद ऐसे तो 6 दिसंबर को 1 2 3 4 5 5 मैंने इनको मेल की। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इनका प्रोसेस जो है ना वो बहुत स्लो है। ठीक है, अभी भी आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, कि इन्होंने मुझे 2 दिन बाद जवाब दिए और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब आपको मैं बता दूं कि यार मैं इन्हें बार बार इतनी ज़्यादा मेल क्यों करता हूँ, क्योंकि उसके इनके सिस्टम में जो ना शो हो रहा होता है कि यार हमें बहुत ज़्यादा जो ना मेल आ रही है। ठीक है, तो फिर ये जो ना जवाब देते, तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल मेरे वाला ही स्टेप फॉलो करना है, आपने इन्हें ज़्यादा मेल करनी है। ठीक है, ताकि यार आप इन्हें पता चले कि यार ये बंदा जो ना हमें बार बार हमें जो ना वो कर रहा है, मेल कर रहा है, तो इनका इशू क्या है, तो ये फिर चेक कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो 6 के बाद मैंने 3 दिन बाद फिर मैंने जो ना इन्हें मेल किया। आप यहाँ देख सकते हो 9 दिसंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेल मैंने की और आज सुबह भी मैंने अभी 11:53 पे एक और मैंने इन्हें मेल कर दिए। ठीक है, और वही मेल किए जो सेम टू सेम है, क्योंकि अब हमें मेरे को जान ये जो है जवाब तो दें इस चीज़ का जो सवाल मैं इनसे कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो 9 दिसंबर में मैंने इन्हें 10 ईमेल किए। ठीक है, तो इस तरह आपने भी इन्हें ज़्यादा ईमेल कर दिए, वरना अगर आप एक ईमेल करोगे तो यार आपको जवाब फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने ज़्यादा ईमेल करनी है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं यार कि यार अभी भी आप यहाँ देख सकते हो कि सिर्फ एक ही जवाब आया। ठीक है, अभी तक मुझे पेमेंट मिली नहीं है, तो अभी ये मेरा जो ना मुझे स्क्रीनशॉट जो मेरे से इन्हें मांगा मैंने तो वो उन्हें दे दिया, पे आउट सेक्शन की स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दें, तो वो मैंने इन्हें कर दिए। लेकिन अब मेरे पास जवाब आएगा तो मुझे पता लगेगा ना यार कि भाई इन्हें क्या मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया या नहीं हुआ है। तो
अब आपने आपने ये नहीं करना कि यार आपने एक दफा ईमेल कर दी तो छोड़ दिए, तो आपने क्या करना है, इसी तरह ईमेल करते रहना ठीक है, जब तक आपको जवाब नहीं मिलता है। अब आप यहाँ देख सकते हो ना कि यार मैं भी इन्हें बार बार ही ईमेल कर रहा हूँ ठीक है, और एक भी नहीं 10 10 ईमेल कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है, यहाँ हमने इंतज़ार ही करना है ठीक है, इंतज़ार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और आपको मैं बता दूँ, जैसे ही मुझे प्राइज़ मिलेगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और अगली वीडियो मेरी पार्ट 4 होगी ठीक है, क्योंकि पार्ट 3, अब तो ये वीडियो मैं चाह रहा था कि यार आप नहीं बनाऊँ, क्योंकि इसमें कंप्लीट ये वीडियो है ही नहीं ना, क्योंकि फिर पार्ट भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो सीरीज़ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो जब मुझे वॉचर आईडी मिल जाएगी तब ही मैं आपके लिए जो है ना वो वीडियो बनाऊंगा ठीक है। तो यार आज की वीडियो में आपने देखा कि यार मैंने जो है ना किस तरह इनकी टीम से बात की है ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो कि सिर्फ एक ही ईमेल आई है ठीक है। जैसे ही मुझे अब दूसरी ईमेल आएगी तो मैं आपके लिए, जैसे ही मेरे को वॉचर आईडी मिल जाएगी तो मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपने याद रखना, इनका प्रोसेस बहुत स्लो है, आप खुद देख सकते हो कि यार मेरे को कितने दिन हो गए, 1 तारीख से मेल की है, फिर उसके बाद 4 को जवाब आया, 3 दिन का गैप हुआ, और अभी तक आप यहाँ देख सकते हो 4 के बाद 6 दिन हो चुके हैं जो ना मुझे जवाब नहीं मिला। तो आपने क्या करना है, इंतज़ार करते रहना और आपने ईमेल करते रहना। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।